गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी फेस पैक। एंड ये फेस पैक आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बना देगा एंड अनइवन स्किन टोन अगर आपकी हो गई है तो ये आपके स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा एंड आपकी टेक्स्चर को इम्प्रूव करेगा। साथ में आपके जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क स्पॉट्स हो जाता है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये फेस पैक में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अपने स्किन को फेयर बनाना चाहते हो, ब्राइटन बनाना चाहते हो, अपने डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स एंड अपनी स्किन को ब्राइट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरी आगे की वीडियो के अपडेट आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगा। तो गाइस मैं इस फेस पैक को खुद अपने फेस पे 1 वीक के लिए अप्लाई करके देखी हूँ तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जो मेरी स्किन नेचुरल है एंड मैं कोई भी मेकअप स्किन पे नहीं लगाई हूँ एंड सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई हुई हूँ तो मेरी स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं है। तो मेरा स्किन आप लोग देख सकते हो मेरी कितनी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर एंड ब्राइट लग रही है। एंड मैं वीक में 3 दिन तो इसको डेफिनेटली अप्लाई कर लेती हूँ जिससे कि हमारी एक्ने कंट्रोल में रहता है एंड हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहती है, डार्क स्पॉट्स वगैरह फेड हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये जो फेस पैक मैं शेयर करने वाली हूँ ये फेस पैक है कच्ची हल्दी का फेस पैक या गाइस रॉ टर्मरिक फेस पैक। एंड रॉ टर्मरिक स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। किचन के जो टर्मरिक होते हैं वो खाने में जो यूज़ किया जाता है वो टर्मरिक हमारी स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि रॉ टर्मरिक स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। जितना बेनिफिट हमको रॉ टर्मरिक से मिलता है उतना किचन के हल्दी से नहीं मिलता है। तो ये रॉ टर्मरिक अगर आप 1 हफ्ते तक डेली यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स है एंड माउथ के साइड में जो पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, इन सभी को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, अपनी स्किन को क्लियर एंड ब्राइट बनाना चाहते हो तो ये रॉ टर्मरिक आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बना देगा, क्लियर बना देगा। रॉ टर्मरिक अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फेस पैक में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस फेस पैक को बनाना कैसे है। तो चलिए तो फेस पैक बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे कच्ची हल्दी। या गाइस कच्ची हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को बहुत ही हद तक फेड करता है एंड हमारे पिगमेंटेशन के लिए तो रामबाण इलाज है, काफ़ी हेल्प करता है पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। तो मैं थोड़ी सी कच्ची हल्दी को इस तरह से कद्दूकस करके एंड इसको मैं 1 चम्मच लगभग निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप कच्ची हल्दी को कद्दूकस कर लें। तो हम लगभग 1/2 चम्मच इतना इस तरह से निकाल लिए हैं एंड इसके बाद मुझे थोड़ी सी इसको पेस्ट के जैसे बनाना है तो मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट बना लेने से हमारे स्किन पे ये अच्छे से लग पाएगा एंड एक अच्छी कंसिस्टेंसी का पेस्ट फेस पैक बन जाएगा। तो आपको कुछ इतना अमाउंट में लेना है हल्दी, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं लेना, थोड़ी सी हल्दी में हो जाती है तो हल्दी बहुत ही कम अमाउंट में ही चाहिए, यही बहुत हो जाती है। तो इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। आपको 1 फुल चम्मच चावल का आटा लेना है। चावल का आटा बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा टाइट बनाता है एंड फ्लॉलेस बनाता है। एंड थर्ड जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो है कर्ड यानी कि दही। दही हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है एंड ये हमारे डार्क स्पॉट्स को भी फेड करने में हेल्प करता है एंड साथ में हमारे स्किन पे ब्राइटन भी बनाता है। इसमें लैक्टिक एसिड होती है तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लाइट बनाता है एंड हमारे स्किन को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज रखता है। तो आपको कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेना है। देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो आपको इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को वॉश करना ना भूलें, क्योंकि क्लीन फेस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर ले। गाइज, ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाला फेस पैक है। ये आपके स्किन को काफ़ी हद तक ब्राइट, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा एंड आपके स्किन पे बहुत ही एक ब्राइटनर प्रोवाइड करेगा। आप अपनी स्किन को खुद देख के बोलोगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाला फेस पैक है। कच्ची हल्दी सबसे अच्छा होता है स्किन के लिए। होम रेमेडी में सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो हम डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करने के लिए लेते हैं तो वो होता है सबसे पहले टर्मरिक। टर्मरिक के बिना कोई भी फेस पैक अधूरा सा लगता है। तो पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेने के बाद आपको 20 मिनट्स के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है एंड फिर वॉश कर लेना है। तो गाइस, देखा आपने इस फेस पैक को बनाना कितना ज़्यादा इजी था। इसमें मैं सिर्फ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड की हूँ, एक है टर्मरिक एंड एक है राइस फ्लावर चावल का आटा। इन ये दोनों इंग्रेडिएंट्स स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टर्मरिक में एंटी फंगल्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होती है जो कि हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स एंड एक्नी जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है एंड एक्नी के बैक्टीरिया को किल करता है, जिससे कि हमारे एक्नी आना बंद होता है एंड हमारा स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट्स वगैरह रिमूव हो जाता है। एंड राइस का जो फ्लावर है, चावल का, तो वो हमारे स्किन को टाइट बनाता है, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज होती है उसमें, तो उससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग होती है। तो होप यू गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।